अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर सिंह है और आज मैं गोलरा मोड अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ। और आप लोग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल का बटन प्रेस करके फिर आज कहता है आप लोगों को हर आने वाली वीडियो टाइम पर भाई ये वीडियो व्यूवर्स। इस टाइम में गोलरा मोड अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ। जिधर मैं मौजूद हूँ ये ब्रिज है, जिधर बिल्कुल गोलरा मोड़ के सामने है, उसके सामने i14 सेक्टर इस्लामाबाद की तरफ जो डबल रोड जा रही है जिस पर डेवलपमेंट का काम शुरू है उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप देख ले सामने अनवर हाइट्स वाली बिल्डिंग है, उसके साथ हेलाइट बैंक है, फिर उसके साथ फैमिली कैश एंड कैरी मार्केट है और ये दिल साइड पर अगर आप देखते हैं तो फेयर डील मार्केटिंग वालों का ऑफिस है और साथ साथ मुख्तलिफ होटल है, तंदूरी चापा उसके साथ फेबर शिनवारी होटल है। और ये सामने अगर आप देखें जिस गाड़ी आ रही है ये बिल्कुल सीधा i14 की तरफ बिल्कुल ये रोड जा रही है और इस पर काम शुरू है। तो उसकी मैं अपडेट दे रहा हूँ और जिस पर काम शुरू है तो आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि इस टाइम में बिल्कुल ये तैयार कर रहे हैं, बहुत तेजी से इसके लिए जो है ये रोड तैयार कर रहे हैं तो उसकी वीडियो बना रहा हूँ। मोहसिन व्यूवर, तो ये i14 सेक्टर की तरफ जो डबल रोड जा रही है ये बिल्कुल मैं जीटी रोड के किनारे खड़ा हूँ और इसके साथ इन्होंने जो डिटेल डाले सिलेक्ट किए हैं और अभी मशीनरी अभी भी खड़ी है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इधर से अगर आप देख लें तो ये बिल्कुल इस रोड के लेवल के हिसाब से इन्होंने इसका जो टॉप लेवल है जिस पर अस्फाल्ट जो है इस पर अस्फाल्ट के लिए रेडी है वो बिल्कुल जीडीए रोड के सामने जो जो है लेवल के हिसाब से इन्होंने इधर तक पहुँचा दिया लेवल। ये आप देख सकते हैं पूरा डाली है और बहुत फीलिंग की है क्योंकि इसके लेवल के हिसाब से इन्होंने ये रोड भी तैयार करनी है तो उस पर मैं मौजूद हूँ। अगर आप देख लें ये पूरा इन्होंने जो है इधर तक इन्होंने सभ्यता है और ये पूरा अभी स्मार्ट के लिए जो लेवल है इसका अभी इन्होंने सभ्यता और देश दोनों डाल के अभी बिल्कुल स्मार्ट के लिए अच्छी वीडियो है और ये जो लेवल है और इसके बाद इनका अगला काम करना है। तो ये आप देख सकते हैं तो ये आगे तक लेके जाना है लेकिन साथ साथ ये जो ऑलरेडी कर रहे हैं साथ साथ जिसके ऊपर जो है अस्फाल्ट का काम भी होगा। तो ये आप देख सकते हैं अस्फाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, इसके ऊपर इन्होंने लुक डालना है, फिर इसके बाद जो है अस्फाल्ट के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आगे ये ग्रेडर मशीन भी खड़ी है, ये आगे तक आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ये एरिया इन्होंने ठीक किया है। अगर आप देख ले तो नीचे से जो इसका लेवल है वो ऊपर तक इन्होंने फिलिंग की है, नीचे इन्होंने ये अगर साइड में आपको दिखा दूँ तो इसकी बहुत ज़्यादा फिलिंग हुई है। ये एरिया आप देख सकते हैं नीचे से इन्होंने ये पूरा पूरी फिलिंग की है और जिस तरह मेन रोड है उसके हिसाब से इन्होंने पूरा इसका लेवल रखा है। ये आप देख सकते हैं ग्रेडर मशीन इधर खड़ी है और साथ साथ आगे तक ये काम जो है लेवल कर रहे हैं और जितना भी मटेरियल आता है वो सारा उसी टाइम ये उसकी स्प्रेडिंग होती है और ये लेवल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं पूरे जो काम हो रहा है बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह अनकरीब ये जो रोड है इसको कम्प्लीट कर लेंगे जो सिटी वाले हैं और उन्होंने बोला भी है कि भाई इस रोड को पूरी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे और i14 की जो वैल्यू है और भी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से रेट और भी ऊपर जाएगा। तो मेरी भी आप लोगों को बिल्कुल मेरा मशवरा है आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग जल्दी जल्दी फ्लैट लेते घर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या घर बना के रिटर्न के लिहाज से रेंट के लिए अगर घर बनाते तो उसके लिए भी ठीक है और अभी भी लेन परचेज का टाइम है तो आप ले लें। तो ये मैंने जिस तरह पहले भी जब अंडरपास बन रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर ले या घर के लिए फ्लैट ले लें या अगर फ्लैट बनाते हैं उस पर घर बनाते हैं
रेंट के लिए देते तो किसी को तो फिर भी ठीक था, तो उन लोगों का बड़ा फायदा हुआ है जिन लोगों ने जो है उधर फ्लैट लिए। अगर आप देख ले तो ये आगे तक पूरी कटिंग हुई है और जो दुकानें बाकी है उनको भी नोटिस मिले और भी अभी गिराने का टाइम आ गया। तो आगे रोड बहुत खुली रोड है ये I-14 तक और बिल्कुल मेन रोड से, तो इसकी वजह से जो है I-14 और I-15 और I-16 इन सेक्टरों का जो सी डी ए के सेक्टर है रेट बहुत बढ़ जाएगा और अभी भी रेट जा रहा है ऊपर, तो ये बहुत खुशी की बात है। बाकी अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है I-14 में, I-15 और I-16 इन सेक्टरों में हमारे थ्रू, तो मेरा मोबाइल नंबर तो स्क्रीन पर मैं भी जो है लगा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि 0092-333-94-5909 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मात के साथ, और बाकी इस पर व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी दे सकते हैं। तो ये हमारे जो आप लोग अभी भी टाइम पे, तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा लेवल है आसपास के लिए तकरीबन रेडी है, तो ये आगे लेके जा रहे हैं और अगर आप देख ले तो इधर से पूरा ये रेडी है आसपास के लिए, तो साथ साथ काम चलते हैं। और लोगों को बड़ी खुशी हुई थी जब मैंने पहली वीडियो इसकी बनाई थी डबल रोड की, जैसे इस पर काम शुरू हुआ पहले तो लोगों ने बताया था बहुत सारे व्यूअर्स ने कि भाई जब तक इस पर काम शुरू नहीं है या ये बना नहीं है जी, तो ये आगे तक आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल जिधर से जीटी रोड से ये शुरू हो जाती है ये रोड उधर तक, ये जो इसका लेवल है इन्होंने बेस डाला है, मटेरियल डाला है और कंस्ट्रक्शन भी किए और ये अभी ये बिल्कुल अस्पताल के लिए रेडी है। तो इधर से अगर आप देख ले तो इनका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, इंशाल्लाह जो I-14 की तरफ ये जो रोड है जिधर दोनों तरफ वर्कशॉप तो ख़त्म हो गए, वो जो दुकानें थी उधर तक इन्होंने कटिंग की है और सिर्फ दुकानों की जगह है जो लोगों ने खाली की है और CDA ने वो दुकानें गिरा ली है, तो आगे तक खास खास काम करे। तो ये अगर आप देख ले बिल्कुल मैं GT रोड तक पहुंच गया, ये पूरा काम आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल लेवल के साथ, ये बिल्कुल इन्होंने इधर जो GT रोड का लेवल है उस लेवल के साथ इन्होंने मैच किया है। अभी जो इस पर आसपाल बाकी है तो वो भी वो जो GT रोड पर आसपाल है उसके साथ मैच कर लेगा, तो ये बड़े खुशी की बात है। बाकी दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो ये इधर से अभ्यास पूरा हुआ है, जब आप रावलपिंडी से आते हैं तो इधर से इन्होंने ये जो मटेरियल डाला है जिधर रोलर मशीन खड़ी है ये बिल्कुल पूरा ये अस्पाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, इधर अस्पाल्ट करेगा और ये जो एरिया है तो उधर से ये जब आप रावलपिंडी से आते हैं तो इधर से आप लेफ्ट साइड पर लेफ्ट करके फिर I-14 की तरफ जाएंगे, तो ये I-14 की तरफ I-15 और I-16 की तरफ जाएंगे। तो इधर तक मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिल जाए, तो ये मशीन खड़ी है अभी इधर, इस पर जो रोलर जो कंस्ट्रक्शन का काम था इन्होंने कर लिया, बाकी आगे भी और भी मशीन भी है। तो इसके साथ मैं आप लोगों को दोबारा भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हूँ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।